लेप्रोसी क्योर या कुष्ठ रोग भी आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के अंतर्गत दिव्यांगता की श्रेणी में आता है। तो पहले तो सर आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए और फिर इसको कोई कहानी के रूप में सुंदर शब्दों में अच्छी तरह से आप हमारे श्रोताओं को सुनाइए। लेप्रोसी क्योर किस तरह की दिव्यांगताओं में से एक दिव्यांगता है जी, और जिसमें कि शरीर गलने लगता है और खास करके उंगलियां खत्म होने लगती हैं, संवेदनाएं वहां से खत्म होने लगती हैं जी। तो कहानी के आकार में अगर आप सुनना चाहते हैं भारतीय पक्ष से, तो कृष्ण के एक नाती हुए शाम्ब जी। तो शाम्ब बड़े सुंदर हुआ करते थे और थोड़े चंचल थे, लड़कपन सा था उनमें काफी। तो एक किस्सा आपने सुना होगा जिससे कि एक शबर ने कृष्ण के पैर में तीर मार दिया था जिससे कि उनकी मृत्यु हुई। तो असल में वो जो लोहा का टुकड़ा जिससे कि मछली ने निकला था जी। वो आया कहां से था पता है? इस शाम्ब के चक्कर में आया था। हुआ कुछ इस तरह से कि कुछ ऋषि आए हुए थे और दुर्भाषा भी उनमें से एक ऋषि थे, पता है दुर्भाषा काफी क्रूर ऋषि हुआ करते थे। तो जब ऋषियों का झुंड था वहां, तो शाम्ब और उनके कुछ मित्र, उन्होंने बोला कि ये ऋषि हैं, ये त्रिकालदर्शी हैं, इनसे कुछ नहीं छुपा है, चलो एक काम करते हैं कि एक विनोद करते हैं। शाम्ब के पेट के अंदर एक घड़ा डाल दिया, उसे लड़की जैसा सजा संवार दिया और उस घड़े के अंदर एक लोहे का टुकड़ा डाल दिया, ऊपर से साड़ी पहना दी और दुर्वासा और बाकी के ऋषियों के सामने गए और पूछे कि प्रणाम ऋषिवर। एक गर्भवती महिला बना दिया, हाई गर्भवती महिला बना दिया उनको और पहुंचे और प्रणाम ऋषिवर, और एक चीज जाननी थी, मैं जानना चाहता हूं कि ये बताएं कि इस गर्भ में बालक है या बालिका है। तो ऋषियों को तो पता चल गया था क्या है क्या नहीं, तो बड़े नाराज हुए थे और बोले थे कि तुम अपने पिता, अपने नाना जी और उनके संबंधी को देखो कैसे हैं सारे के सारे, और तुम इतने बदतमीज और इतने अनुशासनहीन, किसके साथ कैसी बात करनी है नहीं पता। दुर्वासा ने शराब दे दिया था कि जो भी तुम्हारे इस पेट के अंदर है उसी से यदुवंश का नाश हो जाएगा जी। तो सारे दौड़ के आए कृष्ण के पास। कृष्ण ने कहा श्राप तो फलित होगा, लेकिन कम से कम इसे करने के लिए उन्होंने पेट से घड़ा निकाला, घड़ा को घिस के खत्म किया और वो लोहा का टुकड़ा उसके अंदर से निकाला और भीमसेन को बुलाया और बोला कि ले उसको, लो इसको घिस के तुम खत्म कर दो ताकि ये ना रहे, ये रहेगा तो श्राप फलित होगा जी। तो भीमसेन गए और एक दरिया के किनारे उसे घिसना शुरू किया, घिसते 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 बड़े लोहे के टुकड़े को घिस 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 के इतना सा बाकी रह गया था। तो अब जो छोटा सा बाकी रह गया था तो उन्हें लगा कि इस छोटे से क्या होने वाला है, इसलिए उसे पानी के अंदर फेंक दिया जी। तो पानी में से मछली ने उसको निगल लिया, मछली को एक सबर ने पकड़ लिया, सबर ने उसे काटा, उसकी पत्नी ने उसका सब्जी बनाया, उसके पेट से एक लोहे का टुकड़ा जो कि बड़ा नुकीला था और बड़ा सटीक था निकला। तो बड़े खुश होकर सबर ने उसे क्या किया, अपने तीर के सामने लगाया और उसे विषभुजा किया, विष में डाला उसे, मैं मारूंगा तो एक बार ही मरेगा जो भी मरेगा। ये जो घिसाई की थी लोह कण जो थे ये सारे के सारे बह गए और बह के गुजरात के समंदर के किनारे जाके टिके और कालांतर में लगभग कुछ सालों में वहां के जो पेड़ हुए, चाहे वो नारियल के पेड़ हो चाहे वो किसी चीज के भी पेड़ हो, उनके पत्तों में एक असामान्य कटाई आ गई, तेजी आ गई उसमें। तो हुआ कुछ यूं कि ऐसा बोलते हैं कि सात्यकी और कुछ लोगों के बीच झगड़ा हो गया कि किसने ज्यादा बहादुरी दिखाया, किसने ज्यादा वीर मारे और शराब पिए हुए थे सारे के सारे। तो ये बहस इतना आगे बढ़ गया कि समुद्र के किनारे लड़ने लगे लोग, कुछ ना पाकर उन पेड़ के पत्तों को और उन पेड़ के शाखाओं को तोड़ा और एक दूसरे को मारने लगे। तो पत्ते बड़े कटीले थे, एक दूसरे सब लहूलुहान हो गए, रात भर पड़े रहे और मृत्यु हो गई लगभग पूरी यदुवंश की, कृष्ण सिर्फ बच गए। तो कृष्ण हताश होकर एक वन में सोए हुए थे शांति से, पैर था और हल्का हल्का पैर को यूं हिला रहे थे, दूर वही सवर हिरण के तलाश में
घूम रहा था और देखा कि अरे ये गुलाबी चीज क्या हिल रहा है पत्तों के बीच, तो जाहिर से बात तो सोचा कि कोई पशु है जी, एक हिरन है जिसका काम है, और उसने तीर साधा और तीर बीचों बीच पैर के जा लगा। बड़ा पश्चाताप किया, पर कृष्ण ने कहा घबराओ मत, समय मेरा भी आ गया था और ये मेरे पूर्व जन्म के कर्म है, मैंने ही जब बाली को मारा था तो तू अंगद उसका पुत्र था, त्रेता में तुमने इच्छा की थी मेरे पिता को मारा, मौका मिले तो मैं भी इसे मारूं, तो ये इच्छा फलित हुआ आज, इसलिए ना तुझे शोक करने का कुछ है ना मुझे शोक करने का कुछ है। इस तरह कृष्ण का अंत हुआ था। यही शाम्ब थे जिनके शरारत से ये हुआ था, ये और भी शरारती थे। ये एक बार क्या किए कि कृष्ण कृष्ण जैसे दिखते थे बड़े सुंदर, तो कृष्ण की रानियां थी ना उनके बीच घुसकर मजाक कर बैठे थे कुछ जी। तो कृष्ण ने इस व्यभिचार से नाराज होकर श्राप दिया था कि इसी शरीर पे गर्भ है तुम्हें, जा कुष्ठ हो जाए तुझे जी। तो उनका शरीर गलना शुरू किया था, कुष्ठ हो गया था उन्हें। तो ऐसा कहते हैं कि गुजरात से फिर उड़ीसा की तरफ आए, क्यों आए, वही कृष्ण के पास गए कि हाँ भाई गलती तो मुझसे हो गई लेकिन उपाय अब बताएं, ऐसे तो पूरा शरीर गल जाएगा। तो कृष्ण ने कहा था कि जाओ चंद्रभागा उड़ीसा के तट पर, ये वही जगह था जहां की कर्ण ने कभी गलती से किसी एक ब्राह्मण की गाय को मारा था रथ के ऊपर बैठकर। ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि जिस रथ के ऊपर तू खड़ा होकर गर्भ कर रहा है वही रथ को जमीन निकल जाएगी, ये वही इलाका है जी। तो उन्होंने बोला कि जाओ कोणार्क, सूर्य का जो अर्क है या कोण है जो कि उड़ीसा के चंद्रभागा के तट पर है, समुद्र के तट पर है, वहां तपस्या करो, सूर्य प्रसन्न होंगे अगर तो श्राप से मुक्ति हो जाएगी। तो वहां तपस्या किया था शाम जाकर और कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई थी। सदियों से कुष्ठ रोगी वहां जाते हैं, तपस्या करते हैं, कोणार्क का मंदिर भी बना वहां जी। और जो होता है ना कि यहाँ भुवनेश्वर जो कि कोणार्क से 60 किलोमीटर दूर है, सोमवार के दिन वहाँ आमिष बंद रहता है, यानी कि मांस मछली वगैरह कुछ नहीं होगा जी। और रविवार के दिन कोणार्क में अच्छा। सब कुछ बंद रहता है क्योंकि सूर्य का दिवस होता है, तो तब से हाँ, अब तक रविवार के दिन, रविवार रवि का वार जो है, तब से अब तक। तो हमारे कुछ दोस्त हुआ करते थे कोणार्क के, तो संडे तो हमेशा एक भोज का ही माहौल रहता था, तो जब वो रहते थे तो वो बोलते नहीं रविवार तो हम नहीं खाते, मैं कैसे लोग हूं भाई। तो वो मुझे ये कहानी सुनाया करते थे कि ये तबका है हमारे यहाँ, और इसलिए तो ऐसे एक व्यक्ति शाम्ब हुए जो कि श्राप मुक्त हुए। वैसे ही अगर देखें तो और एक व्यक्ति हुए चंद्र, जो कि अद्वितीय सुंदर वाले और सौंदर्य ऐसा जो कि शीतल हो, कमी देखने को मिलती है, जहां भी सौंदर्य होता है वहां गुरूर हो जाता है, रोष आक्रोश हो जाता है, लेकिन सुंदर भी हो और शीतल भी हो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो चंद्र सुंदर थे हमेशा से, तो दक्ष प्रजापति ने यह तय किया कि अपनी 27 कन्याओं का विवाह उनसे करे, और किया भी, चंद्र ने विवाह भी किया, खुशी खुशी रहे भी, पर कुछ दिनों बाद आसक्ति बढ़ गई उनकी किसके तरफ, रोहिणी के तरफ, रोहिणी भी एक नक्षत्र है, तो रोहिणी जो उनकी 2700 में से एक पत्नी थी, एक पत्नी थी बिल्कुल, पत्नी की तरफ आसक्ति बढ़ गई, बाकी ने शिकायत किया आसक्त है, एक बार शिकायत की, दो बार शिकायत की, दक्ष प्रजापति समझाए उनको, एक बार समझाए, दो बार समझाए, लेकिन चंद्र ने आसक्ति अपने त्याग नहीं की। तो दक्ष प्रजापति ने भी श्राप दिया था कि जाओ जिस शरीर के ऊपर तुम्हें इतना गर्व है वो क्षय हो जाए, तुम्हें क्षय रोग हो जाए। तो चंद्र का शरीर भी गलना शुरू हो गया और घटना शुरू हो गया। तो महादेव के पास जाकर सोमनाथ मंदिर जहां बना है वहां उसने तपस्या की थी, महादेव प्रकट हुए थे उसके तपस्या से, और उन्होंने बताया था कि श्राप से तुम्हें मुक्त नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो तुम्हारा कर्म था जी, इसके एवज में तुम्हें श्राप मिला है, लेकिन हाँ इतनी सुविधा कर देता हूं कि तू घट भी जाएगा और फिर बढ़ भी जाएगा। तो 15 दिन घटने बढ़ने की है, अर्धचंद्र और पूर्ण चंद्र अमावस्या और पूर्णिमा के बीच चलता रहता है। तो ये थे चंद्र जिन्होंने
अपने शरीर को वापस शिवजी के वरदान से बचाया और जिस जगह तपस्या किया उस जगह का नाम सोमनाथ या वहां सोमनाथ मंदिर की स्थापना की।